बहुत सा काम करना है, लेकिन यू लैक एनर्जी. देयर इज समथिंग इनसाइड योर ब्रेन दैट सक्स योर एनर्जी एंड मेक्स यू फील अनप्रोडक्टिव, डिसअपॉइंटेड एंड फ्रस्ट्रेटेड विद योर सेल्फ. इफ दिस स्टोरी इज अबाउट यू देन वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, बिकॉज इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू स्टे हाई ऑन एनर्जी, हाउ टू स्टे हाई एनर्जी थ्रू आउट द डे. एंड एंड में मैं आपको एक बोनस टिप भी बताऊंगी जिसको मैंने अप्लाई किया एंड इट हैज गिवन मी अमेजिंग रिजल्ट्स. हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनामिका दुवंशी, वेलकम टू माई चैनल. एंड मेरे चैनल पर हम बात करते हैं मोटिवेशन की और सेल्फ डेवलपमेंट की, और आज हम बात करते हैं हाउ टू स्टे हाई ऑन एनर्जी लेवल्स थ्रू आउट द डे. नाउ व्हेन आई से स्टे हाई ऑन एनर्जी लेवल्स थ्रू आउट द डे, मेरा मतलब ये नहीं है 24/7 जो है आपको हाई एनर्जी लेवल्स रहना, कूदते फांदते रहना. नो, मेरा मतलब ये है कि आपको उस टाइम तक जब तक आप अपना काम खत्म नहीं कर लेते, आपको एनर्जी आपकी हाई रहनी चाहिए और आपको काम करने के लिए एनर्जी जरूर होनी चाहिए. काम करते वक्त आपको ये लगना चाहिए दैट यू नो यू डोंट हैव एनर्जी टू डू द वर्क. एंड ऑल्सो इसका मतलब ये भी बिल्कुल नहीं है कि आप सातों दिन सेम लेवल ऑफ एनर्जी में रहेंगे, सेम लेवल ऑफ हाई एनर्जी में रहेंगे. नहीं, सात में से अगर आप दो दिन, एक दिन लेजी फील करते हैं तो दैट इज परफेक्टली ओके. लेकिन अगर सात दिन में से आप छह दिन लेजी फील करते हैं और एक दिन आप कभी कभी प्रोडक्टिव फील करते हैं, हाई फील करते हैं, देन दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट यू नीड टू वर्क ऑन. इसके लिए आपको देखना है ये वाला वीडियो पूरा, बिकॉज एंड में लाइक आई सेड एक बोनस टिप भी है जिससे मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं एंड आई एम श्योर आपको भी अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं स्टेइंग हाई ऑन एनर्जी लेवल्स. अब हाई ऑन एनर्जी लेवल्स अगर हमें रहना है तो हमें देखना होगा कि हमें चेक पॉइंट्स क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ से हमारी एनर्जी लीक हो रही है. तो हमें ये देखना है कि कहाँ से एनर्जी लीक हो रही है, उसको हमें सील करना है और एनर्जी एब्जॉर्ब करनी है ताकि हमें बहुत सारा हम काम कर सके, बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव रह सके और अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बना सके. तो पांच चीजें जो आपको चेक रखनी है व्हेन यू वांट टू स्टे हाई ऑन एनर्जी एंड यू वांट टू बी सुपर प्रोडक्टिव. पहला टिप इज चेक क्लैरिटी ऑन द गोल. क्या आपकी लाइफ में कोई पर्पस है, कोई मिशन है, कोई गोल है जिसको लेकर के आप सेल्फ ड्रिवन है. अब वो गोल आपको सुबह उठाता है और उसके लिए आप इतना काम करते हैं कि रुकना ही नहीं चाहते और बिल्कुल थकते ही नहीं. अगर आपकी लाइफ में वो गोल नहीं है सो यू नीड टू गेट दैट गोल, बिकॉज दैट गोल विल गिव यू सो मच ऑफ एनर्जी कि आप काम करते हुए थकेंगे नहीं. गोल डिसाइड करना इज लाइक बिल्कुल वैसे ही बात होगी जैसे कि अगर आपका गोल नहीं है तो आप उस शिप की तरह हैं, उस प्लेन की तरह हैं जिसके पास डेस्टिनेशन ही नहीं है. मान लीजिए शिप जो है समुद्र में उतर तो गया लेकिन उसको पता ही नहीं कहाँ जाना है, तो पूरे समुद्र में वो इधर से उधर घूमता रहेगा, लॉस्ट हो जाएगा, उसका फ्यूल भी खत्म हो जाएगा और वो कहीं पर भी नहीं पहुँच पाएगा. तो इसलिए अगर ज़िंदगी में कहीं पहुँचना है तो उस डेस्टिनेशन का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज वो डेस्टिनेशन आपको बहुत सी एनर्जी देती है आगे बढ़ते रहने के लिए. सेकेंड चीज़ जो आपको चेक करनी है इफ़ यू वॉन्ट टू स्टे हाई ऑन योर एनर्जी लेवल इज योर डाइट. जी हाँ, आपके खाने में छुपा है आपकी एनर्जी का राज. यू नो ये चीज़ भी मैंने अप्लाई करी है. पहले यू नो मैं बहुत अनहेल्दी खाना खाती थी एंड आई वॉज टू मच डिपेंडेंट ऑन कैफीन. मैं चाय कॉफी इनटेक मेरा बहुत ज़्यादा हुआ करता था एंड उससे क्या होता था दैट व्हेनेवर आई वॉन्ट टू वर्क आई वॉज डिपेंडेंट ऑन कैफीन. एंड अगर मुझे चाय कॉफी नहीं मिलती थी तो मेरे एनर्जी लेवल्स बिल्कुल लो हो जाते थे एंड आई लैक्ड दैट एनर्जी, दैट ज़ील टू स्टे एक्टिव ऑन माय वर्क. एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली मैंने अपनी डाइट को थोड़ा सा हेल्दी बनाना शुरू किया. मैंने अपनी डाइट में फाइबर्स जो है इंक्लूड करना शुरू किए. मैंने डाइट में कैफीन की जगह ग्रीन टी लेना स्टार्ट किया एंड आई स्टार्टेड इंक्रीजिंग माय इनटेक ऑफ वाटर. नाउ दिस हैज हेल्प्ड मी सो मच दैट उसकी वजह से मुझे एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है एंड जिसकी वजह से मैं ज्यादा काम कर पाती हूँ. पहले व्हेन आई वाज हैविंग अनहेल्दी डाइट देन यू नो आई यूज्ड टू गेट दैट हेवी फीलिंग, ब्लोटिंग वाला फीलिंग. सो उससे यू नो यू आई मीन इतना आप एक्टिव ही नहीं फील करते और आप ज्यादा काम नहीं कर पाते. सो इफ यू वर्क ऑन योर डाइट यू विल बी एबल टू इंक्रीज योर एनर्जी लेवल्स. तीसरी चीज जो अगेन मैंने खुद अपनाई है अपने काम में भी वो है ओवर थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग. आपको बहुत सारा काम करना है तो या तो आप ओवर थिंकिंग करते रहेंगे, अच्छा ये काम कैसे होगा, ये काम नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर ये हुआ तो क्या होगा, वैसा कैसे होगा, उसने ये नहीं कहा, उसने वो नहीं किया, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है. ओवर थिंकिंग करने से हम कभी भी कोई काम कर ही नहीं पाते हैं. इसलिए अगर किसी काम को अचीव करना है ना, उसे प्रोडक्टिव रहना है, तो आपके नेगेटिव सेल्फ टॉक को, ओवर थिंकिंग को आपको चेक करना होगा.
कहां से वो ओवरथिंकिंग जो है आपके एनर्जी को लीक करते चले जा रही है। सो यू विल हैव टू चेंज फ्रॉम ओवरथिंकिंग माइंड टू अ पॉजिटिव थिंकिंग माइंड कि ओके फाइन, अगर मुझे करना है अब मेरे क्या एक्शंस हैं, व्हाट इज इट दैट आई कैन डू टुडे, व्हाट इज इट दैट आई कैन डू नाउ टू रीच टूवर्ड्स माई गोल। सो आपको नाउ में सोचना है, एक्शन में सोचना है कि मुझे अब क्या करना है, मुझे अब क्या करना है। एक्शन में सोचिए, उस चीज़ के बारे में मत सोचिए जो आपके हाथ में है ही नहीं, बिकॉज अक्सर हम उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो या तो पास्ट में होते हैं, हो चुकी होती हैं, या फ्यूचर में होने वाली होती हैं। ना पास्ट हमारे हाथ में है, ना फ्यूचर हमारे हाथ में, हमारे हाथ में है अभी प्यारा सब प्रेजेंट। तो इस प्रेजेंट के बारे में अगर हम सोचें, इसके बारे में एक्शन लेने के बारे में सोचें, देन वी विल बी एबल टू हैव हाई एनर्जी एंड बी मोर प्रोडक्टिव इन आवर लाइफ। चौथी चीज दैट यू नो वी कैन डू टू स्टे हाई ऑन द एनर्जी लेवल इज एक्सरसाइज। इसको भी यू नो आई वुड जस्ट शेयर दिस माई एग्जाम्पल कि मुझे बचपन से ही ना मूवमेंट का, खेलने का या एक्सरसाइज करने का बिल्कुल शौक नहीं था। आई वॉज अ लेजी बम, मुझे बिल्कुल एक्सरसाइज करना पसंद ही नहीं था। एंड जब मैंने देखा कि एक्सरसाइज करने से मैंने जैसे जब मैंने पढ़ा इन सब चीज़ों के बारे में दैट हाउ एक्सरसाइज हेल्प्स यू रिलीज एंडोर्फिन्स व्हिच आर हैप्पी हॉर्मोन्स, एंड जब हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं तो आप ज़्यादा हैप्पी, हेल्दी और प्रोडक्टिव फील करते हैं, ज़्यादा काम कर पाते हैं। तो मुझे लगा अच्छा एक्सरसाइज से एंडोर्फिन्स कैसे रिलीज होते हैं, लेट मी जस्ट ट्राई इट। एंड क्योंकि मैंने बचपन से एक्सरसाइज नहीं करती थी एंड आई वाज लेजी, तो मैंने स्टार्ट किया 20-25 मिनट्स रोज साइकिलिंग करना। मैंने इनफैक्ट 30 डेज का चैलेंज भी लिया जिसको मैं हर रोज इंस्टाग्राम पर इसकी स्टोरीज शेयर किया करती थी अपने, एंड आई यूज टू शेयर किया 30 मिनट्स किया, मैंने 40 मिनट्स किया, 25 मिनट्स किया। एंड 30 डेज के चैलेंज में जब मैंने ये रोज साइकिलिंग करी, रोज एक्सरसाइज करी, तो मुझे 30 डेज के बाद एक फीलिंग आई, वाओ दिस इज सो इजी, आई कैन डू इट एंड इट मेक्स मी फील गुड, इट मेक्स मी बिकम मोर प्रोडक्टिव, देन व्हाई शुडंट आई यू हैव इट एज अ रेगुलर हैबिट। फिर मैंने क्या किया, बिकॉज मुझे अपने आप को कमिटेड दिखाना था, मैंने जिम मेंबरशिप ले ली एंड देन आई स्टार्टेड गोइंग टू द जिम। अब नाउ व्हाट आई डू इज दैट आई विजिट जिम 4-5 डेज इन अ वीक, एंड दो दिन या तो मैं एक्सरसाइज करती हूँ या वॉक करती हूँ या घर में कुछ योगा करती हूँ, बट आई मेक श्योर दैट आई मेक माई बॉडी मूव। अब इससे मेरी लाइफ में क्या डिफरेंस आए, दैट आई फील सो एक्टिव, सो हेल्दी and so full of energy. Now, if you start exercising, this will really help you increase your energy levels. You must try this. Fifth tip, fifth check जो आपको करना है अपने अपने अंदर, जिससे कि आपको पता चल सके कि आपका energy leak हो रहा है या नहीं, that is your sleeping pattern. क्या आप बहुत कम सो रहे हैं, क्या आप इरेगुलर स्लीप ले रहे हैं, क्या आपके सोने का, उठने का कोई टाइम नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है। तब इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी, अगर हम कम सोए हैं, देन योर ब्रेन इज सो टायर्ड दैट इट कैन नॉट फोकस, यू फील लेजी, यू फील टायर्ड, यू गेट दैट हैवी वाला फीलिंग, दैन उसमें क्या होता है, अगेन आपकी एनर्जी कम होती है एंड आप प्रोडक्टिव नहीं रह पाते। सो इफ़ यू जस्ट यू नो प्रायोरिटाइज योर स्लीप, वैसे ही जैसे आप खाने को प्रायोरिटाइज करेंगे, एक्सरसाइज को प्रायोरिटाइज करेंगे, ओवरथिंकिंग को प्रायोरिटाइज करेंगे कि ओवरथिंकिंग नहीं करना है, वैसे ही स्लीप को भी प्रायोरिटाइज करना है। होता क्या है जनरली दैट पावर ऑफ स्लीप इज सो अंडर एस्टिमेटेड कि हम सब कुछ सोच लेते हैं लेकिन ये नहीं सोचते कि हमें स्लीप भी इतने घंटे कम से कम करनी ही करनी है, ये हमारे गोल में होता नहीं है। सो अगर आप अपने स्लीपिंग पैटर्न को रेगुलराइज कर लें तो आपका ब्रेन को जो है सफिशिएंट रेस्ट मिलेगा, एक्टिव रहेगा और आपके एनर्जी लेवल्स हाई रहेंगे। सो ये थे 5 टिप्स टू स्टे हाई ऑन एनर्जी लेवल्स। नाउ टर्न इज बोनस टिप। जी हाँ, अब बारी है बोनस टिप की। बोनस टिप जो है हमारी, आई वॉच्ड अ वीडियो अबाउट इट, डॉक्टर एंड्री हुबरमैन का मैंने एक वीडियो देखा था एंड ही इज अ न्यूरोसाइंटिस्ट एंड इट्स अमेजिंग वीडियो, एंड ही वॉज टॉकिंग अबाउट द पावर ऑफ कोल्ड शावर्स एंड आई वॉज लाइक रियली, कोल्ड शावर से कोई ज़्यादा कैसे एनर्जेटिक रह सकता है, आई मीन इट्स लाइक ठंडे ठंडे पानी से कोई कैसे नहा सकता है, एंड आई ट्राइड इट एंड बिलीव मी दिस हैज बीन अ गेम चेंजर इन माई लाइफ। व्हेन यू टेक कोल्ड शावर्स तो आपकी जो बॉडी है वो उसमें जो ब्लड सर्कुलेशन है वो पूरा अच्छे से होता है एंड यू फील सो फुल ऑफ एनर्जी। शुरू शुरू में इट मेक्स यू फील अनकम्फर्टेबल, बिलीव मी बिल्कुल आसान नहीं है वो कोल्ड, जो ठंडा ठंडा पानी जो आपकी बॉडी पे चढ़ेगा, बिलीव मी बिल्कुल आसान नहीं है ठंडे पानी से नहाना, बट वंस यू स्टार्ट डूइंग इट, इट डेफिनेटली गिव्स यू अमेजिंग रिजल्ट्स। एंड वन मोर टिप जो मैंने खुद
स्टार्ट करी एंड इसका डिफरेंस जो है मैंने अपनी लाइफ में महसूस किया वो है मेडिटेशन। अगर आप मेडिटेट करते हैं देन यू आर एबल टू कट डाउन ऑन योर नेगेटिव थॉट्स, यू आर एबल टू ब्रिंग योर एनर्जी टू फोकस, यू आर एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन समथिंग डिवाइन, यू फील मच बेटर व्हेन यू स्टार्ट मेडिटेटिंग। सो अगर आप मेडिटेशन भी स्टार्ट कर देंगे ना तब भी आपके जो एनर्जी लेवल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होने लग जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।